नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस प्लस न्यूज। और चूंकि आप देख रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव नज़दीक है और नगर निगम का जब चुनाव नज़दीक है तो इसी में अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं। इसी के साथ एक मामला निकल के ये आया है कि आपका आवास बनवा देंगे, आपका वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, ऐसा करके लोग आ करके अब जो है लुभावने जो लॉलीपॉप है वो ले करके दौड़ रहे हैं और उसी के नाम पर जो है पैसे की मांग भी की जा रही है। चाचा, कहाँ तक सही है भाई? मेरे कान में तो ये भी आया है कि वृद्धा पेंशन भी बनवाई जा रही है पैसे ले लेकर के, और आवास के लिए फार्म लेकर के लोग दौड़ गए हैं। जबकि मुझे मालूम है कि अभी चुनाव के माहौल में कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी अब एक गुमराह करना है, वोट अपने तरफ खींचने का एक जगिया है। तो ये प्रत्याशी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ भाई, प्रत्याशी लोग आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? अब नाम तो हमारा बता पाए भाई, मनौटी टोला के हैं लोग। अच्छा, ले करके लोग भर रहे हैं। हम तो भाई देखिए, इस मोहल्ले कलाम इन लोगों के मोहल्ले में हम किसी को क्या कह रहे हैं चाची? चुनाव के पहले आ जाए। क्या नाम है आपका? चानुमती। चानुमती, आवाज कॉल जा रहा है, कह रहे हैं लोग कि चुनाव के पहले ही मिल आ जाए। हाँ, तो इसे भरा गए, फार्म उरम भर के ले गए लोग। हाँ, पैसा भी मांग रहे थे लोग। हाँ, पैसा 300 रुपया ले आला सब। तोरो फार्म भरा है चाची? हमार नहीं भरा है बाप तो। हाँ हाँ हाँ, कुल दे भाई, वो कुल दे ले आई। कितना पैसा लिया है? हम तो जानते हैं, चारों मिली दे ले आई। यानी तीनों लोगों से पैसा लिया गया है? हाँ, चार लोग। तो ये आवास के नाम पे जो है, अभी चुनाव नज़दीक है तो चुनाव के लिए यहाँ पे जो है आपका आवास पास करा दिया जाएगा, ऐसा करके लोग आ रहे हैं। चाची, आप का हुआ है? नहीं भैया। वृद्धा पेंशन नहीं नहीं बनल? फार्म उरम भरे खातिर केहू आयल? हाँ, कन्या आयल है, नहीं जाने का कहत रहे। वो बनावे के पेंशन का कहत रहे, फार्म उरम लेके आयल है? नहीं, खाली कागदा मांग के लिखी। का का मांगे? क्या क्या मांगे? पासबुक, हाँ, बंक का, बंक का। चाची, उनसे पूछी ना कब कब ये आ जाए हमारा पेंशन? या पूछी मुझसे, हम जाना था। अच्छा, वो है पूछल जाला जे मनो जौने लायक जी रहा। आप फार्म भरा है चाची? फार्म भराइल है? हम एक को पैसा के को दिहले वाले नहीं बानी। हम भराई लेकिन है, मने इनको भी आवाज की जरूरत है। कई लोग आए गोला दिए, हम करा देंगे इसी का। हां, बाकी हम के को सुन ली नहीं है। हां, आप को लोग कह रहे थे कि आइए फार्म वरम भरा जाइए, आवास आ जाइए। हां, तो हम के को बात नहीं मान ली, अनेक को पैसा। तो चाचा जी, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले आवास आ सकता है किसी का? हमारे तो मर कहते परे चीज है, जब आचार संहिता लग जाता है तो कहाँ से भैया उठ ही आएगा। जो लोग शिक्षित हैं उनको समझ में आ रहा है कि क्या किया जा रहा है इस समय चुनाव को देखते हुए। क्या कहेंगे ऐसे प्रत्याशियों के लिए? वोट अपने तरफ खींचने का एक जरिया है, प्रलोभन दे करके। इसको और क्या मानते हैं आप? कौन सा गांव है? मुंडेली गवा। चलिए ठीक है, तो यहाँ के कुछ लोगों का आरोप रहा कि हमारे यहाँ जो है आवास के लिए फार्म भरा जा रहा है जिसके नाम पे पैसे की वसूली भी की जा रही है। कहने का मतलब यह हुआ, पैसा बाढ़ू यादव यही कराने वाले हैं। गढ़वा मुरेरी। क्या कह रहे हैं लोग? बहुत लोग पैसा मांग रहे हैं कि दे दो, मैं काला पेंशन आपके बनवा देंगे, लेकिन मजबूरी है कि काला पैसा हमारे पास है नहीं कि दें किसी को बनवा दें मेरा। अब इसी से हम मजबूर हैं। हाँ, 100 मांग रहा है, कोई 300 मांग रहा है, तो मजबूरी है। जब पैसा है नहीं तो कहाँ दें? मैंने आवास अगर आपको चाहिए 400 रुपये का फार्म लेना पड़ेगा। हाँ, आपके घर आके लोग कहें? हाँ, क्या कह रही है चाची? आप फार्म वरम? हाँ, भर ली है, 300 रुपया लिया ले हैं। हाँ, के लिया? अब जटोलिया में कहा, मैं नौत नहीं जानत है। क्या कौन सी के खातिन फार्म भरा? ये आवास वाला।
विधवा पेंशन भी बनाने के लिए कह रहे थे लोग। हाँ मन कहा सनेसा दिया ना तो लेके गई तो कल साँच के आइया पैसों मांग रहे हैं 50 रुपया मांग ले। चलिए आवास वाला 300। तो ये देख सकते हैं मुड़ेरी गढ़वा के लोग हैं, कुछ लोगों का आरोप रहा तो हम कहें कि ज़रूर दिखाने का कोशिश करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरह से चुनाव को देखते हुए, चुनाव नज़दीक है तो चुनाव को देखते हुए इस तरह का प्रोपेगेंडा रहता है। ग्राम सभा से ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि आवास के नाम पर 300-300 रुपया फार्म भरने के नाम पर लिया जा रहा है आपका। जी ये मुंडेरी गढ़वा पिपराई नगर पंचायत में आता है, हम भी सभा से प्रत्याशी, नाम भी है शंकर यादव मनोज। हमारे ग्राम में जो अपने लोग हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे हमारे अगल बगल जो भी अपने गिरोह के लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, बुजुर्ग महिला उनको क्या पता अंगूठा छापा उड़ते हैं, कोई आगे गुमराह कर लेता तो गुमराह हो जाती हैं। उनका क्या कहना है कि मान लीजिए हमारे पास 300-300, 550 कोई आवास के नाम पे आ रहा है 300 रुपये ले रहा है, कोई मान लीजिए वृद्धा पेंशन के नाम पे 200 रुपये ले रहा है, कोई कह रहा है कि आगे जो है विधवा पेंशन बना देंगे, वो भी 2 महीने के डेट दिया जा रहा है कि चुनाव के पहले 2 महीने के अंदर हम मंगवा देंगे। और पूछा, ये लोग पूछी भी कि बाबू कैसे मंगा देंगे, कोई अधिकारी वैसे किसी के सहारे, उन्होंने बोला कि हमारी डायरेक्ट लिंक है, हम डायरेक्ट मंगा देंगे, हमें कि चेयरमैन चाहे हमारे किसी लेखपाल चाहे वीडियो किसी से कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ से आपको अवगत करा देंगे, आप 5500 रुपया दे दीजिए आवास के नाम पे, विधवा पेंशन बनाना तो 200-200 रुपया दे दीजिए। अन्य भी कारण है, कई तरह का कारण, लोग अब हमारे पास ही लोग बेस बना के जा रहे हैं तो हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, मान लीजिए हमारे लोग हैं। अगर वो आवास जो है 2 महीना हम कहीं से भी उनका लिंक हो ला देते तो इसमें बुरा क्या है भैया? देखिए आवास लिया देना, अगर आप लिया देते हैं तो अब 200 के बदला 500 लोगों ने कहना है कि अगर वो मंगा देंगे तो 200 के बदला हमें 500 ही हमसे ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले भी लोग गुमराह हो चुकी हैं, कई जगह 5-5 हज़ार दे के 20-20 हज़ार दे के लोग पट्टे नाम पे आवास नाम पे भाई अगले साल भी ले चुके हैं प्रधानी चुनाव में भी, अब नाम बताना उचित नहीं लेकिन तब भी ले चुके हैं, सब लोग जान रहे हैं, किसी से पूछेंगे सब हर घर से 5000 रुपये लिया गया है, तो ये पहले भी कांड हो चुका है, फिर 5500 वसूला जा रहा है तो लोग इतने भी गुमराह नहीं किया जा रहा कि कोई पता नहीं है कि मान लीजिए कैसे क्या हो रहा है, लोग ऐसे भी है पहले भी विश्वासघात हो चुका है तो आग हमारे पास लोग कह रहे हैं किसी सी बात है तो हम कहें भाई उसको अवगत कराई जाए, मान लीजिए आप झूठ गुमराह करके क्यों लिया जा रहा है किसी से पैसा, आप आवास के नाम पे, ठीक नाम पे, धर्म के नाम पे कहाँ किया जा रहा है, किसी से और भी क्या लग रहे हैं जो बुजुर्ग हैं उनको पढ़ाया जा रहा है कि आप लाइए अंगूठा लगाइए, आप आधार कार्ड लेकर आइए, हम आपको फार्म भर देंगे और एक ही दिन का टाइम है, एक ही दिन में जो होगा होगा, आगे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कोई बात है नहीं। ये अपनी जो है पीड़ा लेकर हमारे पास आई हैं चुनाव को लेकर के, ये सब ये जुमला है, ये चुनाव का माहौल है इसलिए जुमला दिया जा रहा है कि हम 500 उनको बांध देंगे तो वोटर हमारे हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, जनता जानती कौन किस लायक है और किसको चुनना है, जनता को पता है, कोई कितना भी जुमला देगा जनता इस बार भ्रमित नहीं होगी, 5-5 हज़ार रुपये दे के जनता सीख चुकी है 500 में कोई भ्रमित नहीं होगा। इन लोगों की शिकायत नहीं करेंगे कहीं? शिकायत की नहीं की जा रही है, अभी हमसे कहें हम आगे भी शिकायत करेंगे, आप तक पहुँचाएँ आगे तो अधिकारी तक पहुँचाएँगे हम बात, हम आगे हमारी काम है पहुँचाना, हमारे लोग हम पहुँचाना हमारा काम है। क्या लग रहा है कि इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते? देखिए इसमें कई लोग नापे जाएंगे, पहली बात तो बिना लेखपाल का ही अवगत नहीं होता है, आप अगला लेखपाल के नाम पे ले रहा है, लेखपाल भी नापे जाएंगे, नगर पंचायत भी नापी जाएगी। अच्छा, मैं जो पैसा लिया जा रहा हूँ कह रहा है लेखपाल साहब का कहले, उनका कहना है कि मेरा डायरेक्ट लिंक है। अच्छा। कोई भी आवास कोई क्षेत्र बिना लेखपाल के लिंक से होता नहीं है, पहले उनके पास आता उसके बाद ही आके सर्वे होता तब भी पास होता है, ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट मुख्यमंत्री से लिंक है आपके खाता में भेजेंगे आप हम सबको बांट देंगे, ऐसी तो होती नहीं है, पहले उनके अवगत में आता तब सर्वे कराई जाती है। तो इसमें सब लोग नपे जाएंगे, हम आगे अधिकारियों से भी इस तो संवेदना करेंगे कि मैंने आगे अधिकारी जो है इसमें जांच की जाए अच्छी तरह से, मान लीजिए फर्जीवाड़े से लोग बचें, पहले भी फर्जीवाड़ा हो चुका है, 50 लोग लिए, कम 50 लोग इसमें फर्जीवाड़ा 50 लोगों के साथ हो चुका है, कम को 25-30 हज़ार रुपये चला गया है साथ में। तो ये देख सकते हैं सभी पीड़ित महिलाएँ और ग्राम सभा के लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे यहाँ भी आवास के लिए जो है फॉर्म भराने के नाम पे पैसे की वसूली की जा रही है। देखने के लिए जुड़े रहे हैं चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज, धन्यवाद, और अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।